स्किन हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। सभी चाहते हैं कि उनकी स्किन चमकदार, गोरी और मुहासों से मुक्त रहे, लेकिन इतनी गर्मी में स्किन को कूल बनाए रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए त्वचा की चमक बनाए रखने के लिए त्वचा की क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है। वैसे तो इन सभी के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, पर आप घर पर ही बैठे बैठे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आप कुछ ही मिनट्स में घर पे ही फेस मास्क बना सकते हैं। फेस मास्क चेहरे से सूजन और एक्ने हटाने के लिए। अगर आपके चेहरे पे सूजन और एक्ने की प्रॉब्लम रहती है तो आप इस मास्क को ट्राई कर सकते हो। एक बनाना, एक चम्मच दही और एक चम्मच सोडा लीजिए। बनाना को मिक्सर में पीस लो, उसके बाद उसमें सोडा और दही मिला के अच्छे से मिक्स कर लो और अपने चेहरे पे अप्लाई कर लो। उसके बाद इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट तक अपने मुँह पर रखिए, उसके बाद मुँह धो। ये फेस मास्क सूजन और एक्ने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। धनिया फॉर डैमेज स्किन। बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, परंतु हरा धनिया बहुत प्रभावी होता है और इसमें प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। जब आप डैमेज त्वचा को सुधारना चाहते हैं तो धनिया एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसे बनाने के लिए एक छोटा सा कटोरा ले लो, इसमें हाफ कप कटा हुआ धनिया डाल दो, इसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाओ, 3 चम्मच सादा दही मिलाओ। इन सभी पदार्थों को अच्छे से मिलाकर और इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगा लो। 20 मिनट के बाद अपने मुंह को गर्म पानी से धो डालो। ऑयली स्किन के लिए फेस मास्क। 3 बड़े चम्मच संतरे के रस में 1 बड़ी चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाकर चेहरे पर लगाइए। यह त्वचा के दाग धब्बे को दूर करता है और त्वचा से अतिरिक्त तेल को भी दूर करता है। चारकोल फेस मास्क। चारकोल यानी के कोयला, ये हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए चारकोल का पाउडर बना ले, इसमें एप्पल साइडर विनेगर मिलाए और इसे अच्छे से मिक्स करे। याद रखे, मिक्स करने के लिए खाली प्लास्टिक का ही चम्मच यूज करे, स्टील का बर्तन ना यूज करे। सब मिक्स होने के बाद इसे चेहरे पे लगा ले। सूखने के बाद इसे एक गीले कपड़े से साफ कर ले, इससे आपके चेहरे से सारी गंदगी निकल जाएगी और आपको ब्लैकहेड से भी छुटकारा मिल जाएगा। ग्रीन टी फेस मास्क। इस प्रयोग को करने के लिए 4 ग्रीन टी बैग्स लीजिए और इसे गर्म पानी में अच्छे से उबाल ले। उबलने के बाद राइस पेपर लीजिए, जो आपको बड़े ही आसानी से आपको कोई भी स्टोर्स में मिल जाएगा। राइस पेपर्स को 4 टुकड़ों में काट के उबले हुए ग्रीन टी बैग्स में डाल के मुंह पे लगा ले। ये उपाय आपके स्किन से ऑयलीनेस कम करेगा और आपकी त्वचा को गोरा भी बनाएगा। सूख जाने के बाद राइस पेपर को चेहरे से खींच के निकाल ले। टमाटो फेस मास्क। टमाटो फेस मास्क बनाने के लिए एक टमाटर को अच्छे से बारीक पीस ले। टमाटर एकदम अच्छे से बारीक इसलिए पीसना पड़ता है ताकि वो चेहरे पे रुक सके और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो पाए। अब इस पीसे हुए टमाटर में थोड़ा दही और थोड़ी सी हल्दी मिला के अच्छे से मिक्स कर ले और इसे अपने चेहरे पे लगा ले। स्किन के लिए टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। टमाटर फेस पैक से आपकी स्किन से टैनिंग जाएगी, आपका स्किन टोन इवन हो जाएगा और आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। इस वीडियो में बताए गए सब नुस्खे आपको एक बेहतरीन फेस मास्क बनाने में मदद कर सकता है, वो भी घर पर बैठे बैठे। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ अमेजिंग फेस मास्क रिलेटेड आइडियाज है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।